साथियों, हमें मानव जीवन में जन्म लेने के बाद विपरीत परिस्थितियों का सामना डटकर करना चाहिए। किन्हीं भी परिस्थितियों में हमें टूटना नहीं चाहिए। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो एक साधु और एक शराबी की है। एक महान साधु को एक शराबी मिला। वह शराबी साधु से बोला, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। साधु थोड़ा घबराए, पता नहीं कहां लेकर जाएगा। वह शराबी साधु को एक मंदिर में ले गया और मंदिर में एक मूर्ति के सामने ले जाकर बोला, जो सामने मूर्ति है उसे देख रहे हो, संगमरमर की बनी है, जिसे तराशा गया है और वो पत्थर टूटा नहीं। और जो पैरों के नीचे संगमरमर है उसे देखो, टूट गया और हमारे पांव तले है। फिर समझाते हुए बोला, हमें टूटना नहीं चाहिए। जो पत्थर टूटा नहीं वो आज करोड़ों लोगों द्वारा पूजा जा रहा है, और जो टूट गया वो पत्थर हम सभी के पैरों के नीचे है। साधु मुस्कुराए और उस शराबी को दंडवत प्रणाम किया। दोस्तों, यह वास्तविक कहानी है। आजकल प्रेमानंद महाराज के रूप में पूजे जा रहे साधु के जीवन में घटित घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। हम सभी को अपने जीवन में अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में हमें टूटना नहीं चाहिए। उस व्यक्ति की भी स्थिति उसी पत्थर के समान हो जाती है जो टूटकर हम सभी के पांव तले आ जाती है, और जो इंसान टूटा नहीं वो समाज में उत्कृष्ट व्यक्ति बनकर सामने आता है। जैसे जो पत्थर को तराशा गया और वो टूटा नहीं, वो आज करोड़ों लोगों द्वारा एक मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।